हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड की तरफ से और एक अपडेट आ रहा है जो कि श्रम नियोजन परिषद एवं कौशल विकास जिला नियोजनालय खूंटी की तरफ से आ रहा है, जो कि आप लोग का रोजगार मेला 2023 से रिलेटेड न्यूज है। जो कि देख पा रहे हो, राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय खूंटी के द्वारा आप लोग का 29 दिसंबर 2023 के दिन शुक्रवार को 10:30 से 3 बजे तक आप लोग का जिला नियोजनालय खूंटी परिसर में रोजगार मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग आज 28 तारीख है, कल को ये रोजगार मेला लगेगा और आप लोग का इतना जो कंपनी है सहमति प्रदान किए रहने के लिए, तो एक एक कंपनी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रही है, आप लोग का सीरियल नंबर है, ये आप लोग का एम्प्लॉयर नेम एड्रेस मतलब कंपनी का नाम हो गया, ये पोस्ट क्या रहेगा, या जेंडर कौन कौन जा सकता है, यहाँ पे एज बताया गया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया, सैलरी बताया गया, या आप लोग जॉब लोकेशन बताया गया। तो आप लोग का ये कंपनी पहला कंपनी कंपनी है मारुति मोड मोबाइल कुंटी। तो देख पा रही है, आप लोग का पोस्ट रहेगा मैकेनिकल हेल्पर टेलीकॉलर टेलीकॉलर डेंट। देखो ये आप लोग देखना, ये आप लोग पोस्ट रहेगा, इसमें आप लोग मेल कैंडिडेट जा सकता है। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10th आप लोग का क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, और अबव भी होगा तो चलेगा। आप लोग देख पा रहे हो, 10 से 20 हज़ार पेमेंट मिलेगा, जॉब लोकेशन आप लोग का खूंटी रहेगा। इस तरह से आप लोग दूसरा कंपनी देख पा रहे हो, KS गंगा हॉस्पिटल खूंटी, जो कि ANM JNM और ये देख पा रहे हो ऑपरेटर, 3 पोस्ट पे मेल फीमेल दोनों होगा तो जा सकते हो। 18 से 40 वर्ष उम्र होना चाहिए, डिप्लोमा BCA DCA जा सकता है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे एक चीज बताया गया, डिपेंड ऑन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के बेस पे ये सिलेक्शन होने वाला है, जो कि आप लोग का खूंटी पे होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का देव ऑटोमोबाइल खूंटी पे आप लोग देखो देखा गया, जिसमें आप लोग का हेल्पर कॉम्प ऑपरेटर, 3 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों जा सकता है। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, नॉन मैट्रिक टू ग्रेजुएशन आप लोग मतलब नॉन मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक जा सकते हो। डिपेंड ऑन इंटरव्यू के सिलेक्शन आपको सिलेक्शन होगा, आप लोग कुंटी में ये भी जॉब ऑप्शन रहेगा। इसके बाद मोहन मोहन मेडिकल कुंटी, ठीक है, कुछ होगा ये। यहाँ पे देखो सेल एग्जीक्यूटिव मतलब आप लोग कहीं मतलब बाहर में बेच बेच के आप लोग जाना है, और अकाउंटेंट का 3 पोस्ट में मतलब 3 होगा वैकेंसी। अच्छा ये जो है आप लोग का 9 देख रहे हो ना, ये 9 वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, वैकेंसी भी था, पोस्ट और वैकेंसी था, इसमें 3 पोस्ट था, इसमें आप लोग 3 पोस्ट था, और इसमें भी आप लोग का 3 पोस्ट है, जो मेल फीमेल दोनों जा सकता है। 18 से 35 वर्ष आप लोग उम्र होना चाहिए, 12th पास या अबव भी जा सकते हो। 4,000 से 12,000 पेमेंट मिलेगा, जॉब लोकेशन आप लोग खूंटी होगा, ठीक है। इसके बाद देखो राज होंडा कुंटी, आप लोग का कोई शोरूम में ये है, देख पा रहे हो सेल सेल एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, 2 पोस्ट पे ये फॉर्म रहेगा, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 9,000 से 12,000 पेमेंट होना चाहिए, और खूंटी में आप लोग होगा, ठीक है। इसके बाद देखो निर्मल मार्ट कुंटी, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10th एंड मतलब 10th या अबव जा सकते हैं, 8,000 से 10,000 पेमेंट मिलेगा, जॉब लोकेशन आप लोग खूंटी होगा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो नेशनल हॉस्पिटल खूंटी में आप लोग का ANM का एक पोस्ट पे है, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, डिप्लोमा पास जा सकते हैं, 10,000 से 20,000 पेमेंट मिलेगा, खूंटी पे आप लोग जॉब लोकेशन होगा। इसके बाद एक कंपनी 8 नंबर का ये कंपनी है, सेवा सहयोग सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड समझ लो कि प्राइवेट LT रांची का है, जो कि गार्ड सुपरवाइजर ऑफिस स्टाफ, जो कि 50 पोस्ट पर अच्छा खासा पोस्ट है, ओनली मेल कैंडिडेट जा सकते हैं। 18 से 50 वर्ष उम्र होना चाहिए, नॉन मेट्रिक टू ग्रेजुएशन, जाके वहाँ बात कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहाँ जो मतलब 29 तारीख को जा सकते हो खूंटी में, ठीक है। 8,000 से 20,000 तक आप लोग को पेमेंट मिलेगा, और ये देख पा रहे हो क्या है, इंटर झारखंड में कहीं भी आप लोग झारखंड दे सकता है। इसके बाद 9 नंबर कंपनी है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण LTD रांची, फील्ड ऑफिसर ट्रेनर केंद्र मैनेजर, ठीक है, जो कि 40 पोस्ट पे फॉर्म रहेगा, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 32 वर्ष उम्र होना चाहिए, 12th ITI एवं आप लोग जा सकते हैं। 12,250 से आप लोग का क्या होगा पेमेंट स्टार्ट होगा, एंट्री झारखंड का होगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो 10 नंबर आप लोग का होगा LIC कुंटी, जो कि एडवर्टाइजर का 20 पोस्ट पे है, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष उम्र होना चाहिए, 12th पास जा सकते हो। देख पा रही आप लोग 5,000 तक इंसेंटिव मतलब मिलेगा कुछ, ठीक है, आप लोग का झारखंड में ये जॉब लोकेशन होगा। ये आप लोग का 11 नंबर कंपनी है, जो कि सेल्स बिलिंग पैकर पैकेज मतलब पैकिंग वैकेज जो होता है, इसमें टोटल 50 पोस्ट पे फॉर्म है, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन दोनों जा सकते हैं। 9,000 से 17,000 तक पेमेंट मिलेगा, आप लोग झारखंड में आप लोग का रहेगा मतलब, ठीक, कहीं भी देख पा रहे हो। और ये देख पा रहे हो आप लोग क्या है, ये कंपनी है ट्रस्ट ट्राइनर का कंपनी है, ये आप लोग 2 पोस्ट पे रहेगा, ये पोस्ट आप लोग रहेगा, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 30 29 वर्ष होना चाहिए, 10th पास जा सकते हो, एंड अबव भी जा सकते हो। इसके बाद 13,000 से 15,000 कुंटी आप लोग जॉब लोकेशन रहेगा। इसके बाद 13 नंबर ये कंपनी है आप लोग का लोन ऑफिसर क्रेडिट असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का, टोटल 30 पोस्ट पे रहेगा, मेल कैंडिडेट ओनली, 18 से 35 वर्ष, 12th पास और मतलब 12th पास या उससे ज्यादा वाले क्वालिफिकेशन जा सकते हो। 13,000 प्लस इंसिटिव मतलब ये कुछ मिलेगा, ठीक है, मतलब 13,000 पेमेंट मिलेगा। इसके बाद ये जो होता है ये मिलेगा, इसके झारखंड में आप लोग का जॉब लोकेशन रहेगा, ठीक है। अब देखो आखिरी पोस्ट आप लोग का ये रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का टेलीकॉल टेलीकॉलर BD और ये जो पोस्ट पे है 30 पोस्ट पे फॉर्म रहेगा, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10th पास आप लोग होना चाहिए, तो 10,200 से इतना तक आप लोग पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 12,000 यहाँ आपने मुटा दिया, क्वालिफिकेशन मुटा देगा, ये झारखंड में आप लोग का रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया आप लोग को, देख पा रहे हो योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो कि पूर्व से निबंधित नहीं है, ठीक है, वो अपने निकटतम योजनालय में अथवा ये जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आप लोग अपना निबंधन कराते हुए आप रोजगार मेला में जाना है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब योजनालय में निबंधन बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको एक्सचेंज कार्ड बोलते हैं।
तो आप लोग जितना भी मैंने वीडियो में बताया आज तक, आप एक्सचेंज कार्ड मतलब जाने से पहले ये जॉब मेला में आप लोग को एक्सचेंज कार्ड बना के जरूर जाना है। अब एक्सचेंज कार्ड क्या होता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कार्ड बना के आप लोग को जाना है। वो कार्ड का ये फायदा है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि आप लोग जो डिटेल, बायोडाटा, फोटो, पासपोर्ट साइज, यहाँ छोटा बताया गया आप लोग पढ़ सकते हो। मैं फिर भी आप लोग बता देता हूँ, जगह थोड़ा कम है तो मैं यही बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, यही पे आप लोग बता देता हूँ। सिंपली यदि आप लोग 10 पास हो, ठीक है, या आप लोग 12 पास हो, या आप लोग ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, या आप लोग ग्रेजुएशन किए हो, तो आप लोगों को सिंपली क्या ले लेना है, आप लोग को मार्कशीट ले लेना है और सर्टिफिकेट ले लेना है, और आप लोगों को जेरॉक्स ले जाना है, ओरिजिनल लेके नहीं जाना है, खो जाने का रिस्क रहता है। तो आप लोग का 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना है। इसके अलावा आप लोग का रिज्यूम ले लेना है, फोटो ले लेना है, ठीक है, आधार कार्ड ले लेना है, और आप लोगों को क्या ले लेना है, रिज्यूम बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, बैंक का पासबुक भी कभी भी मांग लेता है तो बैंक का पासबुक ले लेना है, और इसके अलावा आप लोग को एक्सचेंज कार्ड बना के जाना है, इतना चीज आप लोग को जरूर लेके जाना है, एक्सचेंज कार्ड आप लोग को बना के जाना है। अब एक्सचेंज कार्ड क्या होता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, आप लोग देख लेना। एक्सचेंज कार्ड का फायदा ये है, यदि आप लोग 20 जन, 20 कोई पोस्ट है, 20 पोस्ट में यदि 40 जन अप्लाई किया, इसमें से यदि 20 जन के पास एक्सचेंज कार्ड होता है तो डायरेक्टली 20 जन का सिलेक्शन होगा। पहला प्रेफरेंस आप लोग का एक्सचेंज कार्ड वाले लोग को दिया जाएगा, उसके बाद जो आप लोग का है अदर कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज कार्ड बहुत ही जरूरी होता है रोजगार मेला में, ठीक है, जो आप लोग का सिलेक्शन को कंफर्म बना देता है। तो आप लोग ये सब लेके आप लोग जरूर पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।